le fanno voilà. Io, oddio! Yeah, very good, very good, very good. वेरी गुड वेरी गुड, तुम दोनों ने बहुत जल्दी ही ग्लास भरना सीख लिया। अब फिर से ग्लास भरना है, लेकिन इस बार नीचे जाने के लिए पैरों का इस्तेमाल नहीं करना। कैसे जाएंगे? फ्लेम पर फोकस करो, जब तक सिर्फ कैंडल की फ्लेम ही ना दिखाई दे। कैंडल कैंडल सिर्फ कैंडल ही दिखनी चाहिए। मोटू क्या दिख रहा है? अरे जिंदगी भर कैंडल ही देखते रहेंगे तो फिर फाइट कब सीखेंगे? सिर्फ कैंडल ही दिख रही है मास्टर, सिर्फ कैंडल की फ्लेम। वो देखो, वो प्लेन किस कलर का है? व्हाइट कलर का, सफेद। सिर्फ कैंडल ही दिख रही है तो प्लेन कैसे दिखा? सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, इस बार माफ करता, नेक्स्ट टाइम झूठ मत बोलना। दोनों सीढ़ियों से नीचे जाओ बिना पैरों का इस्तेमाल किए और सिर के बल ऊपर आना। गो! दोनों क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक टीम हो, एक की गलती दूसरे की जान ले सकती है। ये बात दोनों को समझ में आना बहुत जरूरी है। गो, 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 गो! मतलब पता नहीं कैसे मास्टर मेरे मन की बात को पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। आज उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचूंगा तो मेरा खराब इम्प्रेशन अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों बहुत तेजी से सब सीख रहे हो। गुड, वेरी गुड। मेरे मास्टर महान है, शक्तिमान है, ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। बेकार की तारीफ मुझे पसंद नहीं। फिर सुन लिया क्या? सॉरी। ये खाने से टेस्ट करने के लिए पहले टेस्ट करो, छाले दो, पेट भर के खाओ। खाने में कोई बनाई नहीं है। ये समुराई तो हमें भूखा मार देगा। चिड़ियों की तरह खाना खिलाता है और हाथियों की तरह काम करवाता है। चलो आज होटल में जाके पेट भर के खाना खाते हैं। आज हमारा ऑफ डे है। अरे भैया कहाँ है? ये ना इंसाफी है, हमको भूखा रखता है और तुम्हें पेट भर के खाना खिलाता है। एकदम ठीक बोला, ना इंसाफी है। यार उन्होंने कब कहा कि भूखे रहो या कब कहा कि कम खाओ? समुरे तो रोज ये कहते हैं कि पहले टेस्ट करो, फिर जो खाना अच्छा लगे वो खाना पेट भर के खाओ। खाने में कोई मना ही नहीं है यारी। समुरे ये कहते हैं, हमें तो सिर्फ उनकी बात इतनी समझ में आती है कि वो खाने के लिए मना ही कर रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बातों को कैसे समझ लिया? ये देखो, ये मेरा गैजेट है, इसमें कोई भी फास्ट बोलने वाले की बात बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में सुनाई पड़ती है यारी। मैं तो रोज पेट भर के खाता हूँ, तुम लोग ही पता नहीं क्यों बिना खाए चले जाते हो यारी। पता नहीं मेरे भाई, मेरी यार मुझे क्यों लग रहा है कि अब मैं खाना खाने की जगह मार खाने वाला हूँ यारी। और तेज, स्पीड, स्पीड, स्पीड इज द की।
अरे इतने धीरे मत भागो, और तेज, 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 तेज। उसकी पावर्स निकालनी है तो और तेज भागना होगा। वो इतना मत चिल्लाओ, वो सुन सकते हैं। डामा कहाँ गया थे? मोटू पतलू कहाँ है और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? हरूटो तो कुछ बताता ही नहीं है, इसीलिए उसे यहाँ बांध के अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तुम बताओ, वरना तुम्हें भी यहीं बांध देंगे। तुम्हें क्या मतलब वो कहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं? वो तुमसे एक महीने बाद मिलेंगे। डामा कुछ नहीं बताना इन्हें। ले जाओ। देखो और सीखो कैसे हम इन कंफू मास्टर्स की सारी शक्तियाँ अपने अंदर खींच लेते हैं। तुम सबको ये कला सीखनी है ताकि हम एक ऐसी आर्मी बना सकें जो पहले जापान पे और फिर एक एक करके पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। हाँ, पहले जापान पे कब्जा कर ले, फिर एक एक करके पूरी दुनिया पे, समझे? वो चिल्ला क्यों रहे हो? उन्होंने सुन लिया। चलो लेट्स स्टार्ट। खाने में नींद की दवा मिला के हमें यहाँ धोखे से लाया गया है। हिम्मत है तो हाथ खोल दो और मुकाबला करो। हिम्मत तो है लेकिन जरूरत नहीं। जब बिना मुकाबले के काम चल सकता है तो लड़ाई झगड़ा क्यों? हम अहिंसा प्रेमी हैं। हाँ हाँ, हिम्मत तो है लेकिन जरूरत नहीं। फू, चलो शुरू करो। आज से आप लोग मेरे लिए काम करोगे। Join my administration staff। जाओ पता करो और कितने मास्टर्स ऑफ कुंग फू बाकी है। हारुतो को छोड़ दो, इसकी बची हुई पावर्स हम मोटू पतलू के सामने निकालेंगे। कंसर खचाक, वो लोग क्राइंग मास्टर के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या, क्राइंग मास्टर के पास? लेने दो ट्रेनिंग, लेने दो, फिर तो वो हमारे पास आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। क्राइंग मास्टर की ट्रेनिंग कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा पूरी नहीं कर सकता। तू अपने दुश्मनों को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, समझे? अगर वो क्राइम मास्टर के पास ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें भी तैयार रहना होगा। क्राइम मास्टर, उसके पास जाओ ना, वहाँ जाने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? जाएंगे लेकिन इतनी जल्दी नहीं। जब हमारे अंदर दुनिया के सारे मास्टर्स की पावर आ जाएंगी तब उसके पास भी जाएंगे। फिलहाल उसे मोटू पतलू को ट्रेनिंग देने दो, देखें एक महीने में क्या सिखाता है उनको। क्या हो गया? आज आप रिक्शा चलाने नहीं गए? मुझे मेरे भाई यार, ये टैक्सी वाले हमें रिक्शा चलाने नहीं दे रहे हैं यार। वो कहते हैं रिक्शा किसी और शहर में चलाओ, इससे उनका बिजनेस कम होता है। ये तो गलत बात है, बड़ी बड़ा गलत बात तो है, लेकिन टैक्सी वाले को कौन समझाए? हम समझाएंगे। तुम हमें समझाओगे? देखो भाइयों, हमें कोई समझाने आया है। चलो हम ही इन्हें समझा देते हैं। मोटू पतलू, इन्हें छोड़ना मत, ये हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं। देखो भाइयों, देखो, हम लड़ाई करना बिल्कुल नहीं चाहते। ये लोग मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं। इनके साथ ऐसा अन्याय मत करो, ये गलत है भैया। दोस्तों, इन्हें बता दो कि सही क्या है और गलत क्या है। आज एक आवाज उठा रहा है, कल कई आवाज उठाएंगे। आप जरा आराम कर लो और मैं ये मैसेज पढ़ लूँ। क्या लिखा है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्राइम मास्टर। तो गुरु, ओ जाओ शुरू। Oh, my God.
अरे हमें नहीं पता था कि आप कौन हैं। हम जानना भी नहीं चाहते। एक्चुअली ये शहर बहुत बड़ा है, हम सब प्यार से इसमें रह सकते हैं। तो अब आई बात समझ में। चलो अब रिक्शा वालों से हाथ मिलाओ और दोस्त बन जाओ। वेरी गुड। वाह 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 वाह, तुम लोगों की फाइट देख ऐसा लगता है कि तुम लोग क्राइंग मास्टर के स्टूडेंट्स हो। तो फिर क्राइंग मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ खाना बिल्कुल फ्री है, जितना चाहे खा सकते हो। और हमारे दोस्तों के लिए? अरे उनके लिए भी फ्री है, खाओ पियो मौज करो। तुम दोनों ने कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता तुम दोनों कितने अच्छे हो। कोई स्टूडेंट आज तक ऐसा नहीं देखा दूसरों के लिए लड़े। ये टैक्सी ड्राइवर का लीडर है, ये तुम यहाँ इसी वक्त माफी मांगेगा। माफी माफी माफी। तो अब हम इससे माफी मांगे। एक तो ये गलत काम करते हैं, दूसरा हम इनसे माफी मांगे। दोनों अंदर आ जाओ, अंदर तो आ जाओ जरा। मोटू इन्हें एक बार में ही समझा दो कि हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे। मैं तो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन की तरफ से माफी मांगने आया था। क्या शायद समझने में गलती हो गई। अरे ये बात ही इतनी तेज करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें। कई बार मैं तुम लोगों की तारीफ कर रहा था और तुमने पीट दिया, ऐसा कोई करता है क्या? इतनी बुरी तरीके से कोई मारता है क्या? इतनी बुरी तरीके से कोई मारता है क्या? मैं ठीक हो गया। यस यस यस, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। गुरु आप तो गुरु नहीं माँ गुरु हो, आपने ऐसे पीटा कि मैं ठीक हो गया। लगता है वो जो पंचभूत में पड़े ना उनसे ही ठीक हुआ हूँ। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। और गुरु जब भी आपको किसी को पीटने का मन करे तो मुझे बुला लेना, पीट देना। जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की। मोटू पतलू तुम दोनों अच्छे इंसान, कल रात तुमने रिक्शा पुलर को उनका हक दिलाकर बहुत अच्छा काम किया। अरे हम नहीं करते तो और कोई कर देता, किसी को तो ये काम करना था ना। तुम नहीं करते तो मास्टर कर देते। कोई नहीं जानता कि वो रिक्शा मास्टर का है और वो किराए के रूप में सिर्फ एक एन इसलिए लेते हैं ताकि कोई बेरोजगार अपना घर चला सके। ये तो चैरिटी का काम है। यही नहीं, जिस होटल में तुमने खाना खाया वो भी मास्टर का है, उसमें सब स्टूडेंट्स को फ्री में खाना मिलता है और जो गरीब है और पैसे नहीं दे सकते उन्हें भी फ्री में खाना मिलता है। मास्टर जी आप तो बहुत ही नेक काम करते हैं। मैं पैसे इन्हीं कामों के लिए लेता हूँ, वरना मुझे पैसे की क्या जरूरत। तुम किसी और मास्टर के पास जाते तो वो ट्रेनिंग के पैसे कभी नहीं लेता। आप सही कह रहे हैं, मैंने हीम नरेश और बोनलेस मास्टर से ट्रेनिंग ली है, उन्होंने कभी पैसे नहीं लिए। क्या क्या तुम दोनों हीम नरेश और बोनलेस मास्टर से ट्रेनिंग ले चुके हो? वाह, तभी तुम इतनी जल्दी सीख रहे हो। वो तो मेरे खास दोस्त हैं। पहले बता दिया होता तो मैं तुमसे एक पैसा भी फीस नहीं लेता। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम अभी भी आपको 5,000 येन देंगे क्योंकि वो एक चैरिटी के लिए जा रहा है। वो मेरे भाई, मेरी यार पतलू, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ये अच्छे काम के लिए पैसे हमेशा देते रहने चाहिए। चलो सीधे चल के काम शुरू करते हैं यारी। मोटू पतलू तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं। आई थिंक हम बेस्ट 3 कुंग फू मास्टर्स के लिए तैयार हैं। उन्हें पकड़ना आसान नहीं होगा, उन्हें एक पल का भी मौका दिया तो वो हमें ही खत्म कर देंगे। यस, इससे पहले कि वो हमें समझ पाए हम उन्हें पकड़ कर ले आएंगे। ओके, अब ऊपर टावर में जाने का समय हो गया, टाइम कम है, सीखना ज्यादा है, जल्दी करो। आ जाओ। स्पीड स्पीड इज द की। जब तक पहला पैर फिसले तब तक दूसरा पैर ऊपर चले जाना चाहिए और जब तक दूसरा पैर फिसले पहला ऊपर चले जाना चाहिए। ओके ओके मास्टर।
Fight! Fight! मास्टर, ये आपने कैसे किया? सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। लेकिन इतना ध्यान रखो, स्पीड इज द की। लेकिन स्पीड के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, पूरे बदन की एनर्जी दोनों हथेली में आ जानी चाहिए। जब क्लाउड को पुश करोगे तो पूरे क्लाउड्स के निंजा पे एक साथ अटैक होगा और वो गायब हो जाएगा। तो याद रखो, दोनों हथेली में बॉडी की सारी एनर्जी। नाउ प्रैक्टिस अगेन। दोनों मेरे आज तक के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स हो और अब तुम दोनों मुझसे फाइट करो। ये हमारे बीच की आखिरी ट्रेनिंग फाइट होगी। ये रोना भी एक ट्रिक है। दुश्मन का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से रो, ताकि दुश्मन एक पल के लिए हैरान रह जाए और वो एक पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है, अगर तुमने उस पल का फायदा उठाया तो। तो अब समझ आया मुझे क्राइंग मास्टर क्यों कहते हैं? जी मास्टर, समझ गए। मैंने फुरफुरी नगर फोन किया तो पता चला कि तुम लोग यहाँ आए हो। मोटू, मास्टर नैपिंग हो गए। नैपिंग हो गया मीन्स मास्टर सो गए? नहीं नहीं, मास्टर नैपिंग हो गए। वो क्या कहते हैं, लोग पकड़ के ले जाते हैं और पैसे मांगते हैं वो। किडनैपिंग? मास्टर की किडनैपिंग हो गई। हाँ वही वही। अरे हेम, नरेश की किडनैपिंग कौन कर सकता है? जरूर इसमें कोई धोखा हुआ है। पुखरी, हमारी इंग्लिश आज तक नहीं सुधरी, ठीक से हिंदी में बताओ क्या हुआ? दो ट्विस्टर आए और हिम नरेश को बात कर ले गए। कुंफू ब्रदर्स, हमें जल्दी जाना होगा, जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ट्रेनिंग का एक दिन बाकी है, बिना ट्रेनिंग कम्प्लीट किए नहीं जा सकते। लेकिन हेम नरेश को वो ले गए हैं, हमें उन्हें बचाना होगा इससे पहले कि वो हेम नरेश की पावर्स निकाल ले। एक दिन और फिर हम सब साथ चलेंगे। हेम नरेश मेरे भी दोस्त हैं। आज के लिए इतना काफी है, खाओ पियो घूमो, बाकी ट्रेनिंग कल करेंगे। ठीक है मास्टर। अरे अरे, कोई तो एयरपोर्ट ले चलो हमें, कोई तो टैक्सी बुला दो, आज एक भी टैक्सी नहीं है। जो पैसा मांगोगे हम देंगे, 15 मिनट में हमें एयरपोर्ट पहुंचना है, वरना हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी और हमें 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। सर आज कोई टैक्सी नहीं, उनकी हड़ताल है, और कोई रिक्शा वाला भी आपको 15 मिनट में एयरपोर्ट नहीं ले जा सकता, वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब क्या होगा, कोई रिक्शा वाला है जो हमें 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचा दे, हम उसे 1,00,000 येन देंगे। 1,00,000 येन? पप्लू, 1,00,000 येन लेकर हम मास्टर को दे देंगे, ये उनकी चैरिटी में काम आएगा। चलो लेकर चलते हैं, चलो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मोटू पप्लू की जोड़ी कुछ भी कर सकती है। मोटू याद रखो, स्पीड इज द की। ओके पप्लू, चलो बड़े भैया, हम पहुंचाते हैं आपको एयरपोर्ट। बस अब आप आराम से बैठ जाओ और देखो हमारा कमाल। अरे हमें खत्म करोगे क्या?
हम आपको पहुंचा के देंगे 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है। थैंक यू, ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला। तुम ह्यूमन नहीं सुपर ह्यूमन हो। ये लो 1 लाख येन। नहीं नहीं, 1 लाख क्यों, 10 लाख ले लो। तुमने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता, सच में। क्राइम मास्टर, आप यहाँ? यस, ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट था। स्पीड, स्पीड इज द की। उन कंकु ब्रदर्स से लड़ना है तो स्पीड इज द की। और इसी के साथ तुम दोनों की ट्रेनिंग भी खत्म हुई। थैंक यू मास्टर। मोटू पतलू, बोनलेस मास्टर का दर्पण हो गया। दर्पण हो गया या खो गया? नहीं नहीं, दर्पण हो गया। एक ट्विस्टर आया और लेके गया। यानी कि किडनैपिंग हो गई। चिल्ली, वो अपहरण शब्द है, तुम हिंदी मत बोला करो। मास्टर, हमें फौरन जाना होगा। कल सुबह की पहली किरण के साथ हम जाएंगे। कल सुबह तक देर ना हो जाए। डोंट वरी, मैं साथ चलूंगा। अरे मास्टर, आप मेरे मन की बातों को कैसे सुन लेते हैं? मैं तो सिर्फ गेस करता हूँ और मेरा गेस हमेशा सही निकलता है। साइड हो जाओ सब। वो तो सिर्फ एक है, दूसरा कहाँ है? यहाँ। चलो जल्दी करो, हम इंतजार किसका कर रहे हैं? मोटू पतलू का। उनके सामने उनके दोस्त हारूटो और उनके मास्टर्स की पावर निकालेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमसे टक्कर लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इन लोगों को छोड़ दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना। चलो, हम तुम्हारे दोस्त और मास्टर्स को नहीं छोड़ेंगे। दिखाओ क्या करोगे। हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ क्या करोगे, दिखाओ। खचाक, एक फोटो खींच लेने दो, फिर कभी मौका मिले ना मिले। खचाक, खींच लो, फिर शायद मौका ना मिले। हमारी नहीं, उनकी फोटो खींचो। उनकी नहीं, आज तो आपकी फोटो खींचूंगा। मुझे यकीन है मोटू पतलू के हाथों आज आपका एंड होगा। मोटू पतलू जैसे सच्चे आदमी कभी हार ही नहीं सकते। आए खचाक। तुम कैमरा तैयार रखो, हम इन्हें भेजते हैं। मोटू पतलू, उन्हें भागने से रोको वरना वो हम चारों की पावर्स अपने अंदर खींच लेंगे। उड़ी बाबा, मोटू पतलू मास्टर के पास जा ही नहीं पा रहे हैं। खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती, पतलू कुछ सोचो। आइडिया, उनकी स्पीड से स्पीड मैच करके फिर अंदर घुसते हैं। ओके पतलू। जोर से भागो। No!
मोटू पतलू, तुम हमसे टक्कर लेना चाहते थे ना, देखो हमारी पावर। अब लगता है हमारा नंबर है। ऊपर ही रुकना, हम वापस आएंगे। पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, जल्दी कुछ सोचो। आइडिया, मैं इसका ध्यान बताता हूँ, तुम फोकस और मेडिटेशन करके सारी पावर्स पाम में लाओ और फिर पंच मारो। ओके पतलू। मैं देखता हूँ। नहीं कंग, उन्होंने मेरे अंदर से सारी पावर्स निकाल दी। सबकी पावर इकट्ठा करो। मास्टर, आप आराम कीजिए, इनके लिए तो आपके स्टूडेंट मोटू पतलू ही काफी है। नहीं नहीं, एक महीने में निंजा क्लाउड टेक्निक कैसे सिखा दी? अगर मास्टर जी अच्छे हो तो स्टूडेंट को कुछ भी सिखा सकते हैं। स्टूडेंट अच्छा हो तो कुछ भी सीख सकता है। की पावर्स निकाली हैं, वो सब उनके पास वापस जा रही है। मोटू पतलू, बहुत खुशी हुई दोबारा मिलके। थैंक यू मोटू पतलू, तुम लोग बहादुर ही नहीं बहुत अच्छे इंसान हो। एक मिनट, क्या मैं अब एक अच्छी सी फोटो ले सकता हूँ? चेक।